ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सही है, ऑडिबल है, सब विजिबल है, कोई कुछ बोलना होगा स्टार्टिंग में। जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स करंटली। ठीक है, चलो। सो लेट्स क्विकली टेक एन ओवरव्यू। टुडेज सेशन विल बी वेरी शॉर्ट सेशन, अप्रोक्सीमेटली आप समझो 30-40 मिनट्स में हम खत्म कर लेंगे। मोस्टली वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज CB2 ऑल अबाउट। पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां लिख देती हूँ। ठीक है, सो एज यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स मे बी दैट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, राइट, टू स्टार्ट विथ। बट ऐसा कोई नहीं है जो उसको बिना पढ़े पास कर सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले दिस वॉज CT7। सो CT7 में पीपल वर लाइक, अरे क्या है, जस्ट स्टडी फॉर 5-6 डेज, हो जाएगा। एंड देन जो भी 5-6 डेज पढ़ के जाते थे उनका क्लियर नहीं होता था, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी इजी पेपर। हम बोलते हैं इजी है, बट इजी है नहीं, इसमें एफर्ट जाता है। सो अगर मुझे स्टडी आवर्स, आप लोग पूछो कि हाउ मच स्टडी आवर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस पेपर, यूजुअली आप देखोगे सब अलग अलग बोल रहे हैं, बट माई सजेशन यूजुअली अराउंड 150+ आवर्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग क्लासेस देन क्लासेस आर इंक्लूडेड इन दिस 150+ आवर्स। सो वी विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 75-90 आवर्स ऑफ क्लास कॉन्टेंट, जहां पे वील बी डूइंग ऑल द जो भी बेसिक, जो भी सारा कॉन्सेप्ट है, सारा A to Z जितने कॉन्सेप्ट है वील बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। देन वील बी हैविंग सम्स क्लासेस। सो बेसिकली सम्स क्लासेस में क्या स्ट्रक्चर होता है, आई टेल यू। बट मोस्टली हम लोग MCQ सॉल्विंग, शॉर्ट आंसर सॉल्विंग एंड लॉन्ग आंसर सॉल्विंग, दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी फोकस अपॉन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CB2 पेपर। सो CB2 में यूजुअली आप लोग देखते हो कि सब लोग बोलते हैं देर इज फुल MCQ कमिंग इन, तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यूजुअली 26 MCQs आते हैं, 26 MCQs ईच ऑफ 1.5 मार्क्स, कितना हुआ, 39 मार्क्स हुआ। ठीक है, सो 39 मार्क्स इज वर्थ ऑफ MCQ। तो जो इतने दिनों से IFO इज सजेस्टिंग दैट वील मूव टू OBA, इट्स दिस इंटायर पार्ट ऑफ 39 मार्क्स इज योर OBA ओनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन वेर यू आर जस्ट गेटिंग MCQs, ईच MCQ इज ऑफ 1.5 मार्क्स। देन अप्रोक्सीमेटली देर आर 10 क्वेश्चन्स, अप्रोक्सीमेटली देर आर 10 क्वेश्चन्स शॉर्ट क्वेश्चन्स विच आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 मार्क्स ईच, एंड देन इट्स अप्रोक्सीमेटली 41 मार्क्स, एंड देन देर आर 2 क्वेश्चन्स ऑफ 10 मार्क्स, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चन्स ऑफ 20, एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 100। सो इट्स 100 मार्क्स पेपर। फॉर IFOA इट्स 3 hours 20 minutes, and for IA it's 3 hours 15 minutes. IFOA gives you 5 minutes extra for uploading and downloading basically, but obviously you can start typing in that duration. So 3 hours 15 minutes paper, 100 marks paper. This is the entire structure. Now any student who is good with the concept, who has practiced a lot of MCQs, can easily score marks in this 39 portion. I have had students getting complete 39 out of 39, meaning all 26 MCQs are correct for those students. Because in my class, we practice a lot of MCQs. What happens, usually these MCQs are not very easy. There are 4 options. You will always feel that ek MCQ, 2 MCQ ka answer correct hai. आपको हमेशा लगेगा। सो देर आर डिफरेंट अप्रोचेज यूजिंग विच वी सॉल्व दीज MCQs। वी हैव एलिमिनेशन मेथड, हम
कैलकुलेशन मेथड करते हैं हम. कुछ कुछ मेथड्स मैंने ओवर द इयर्स यू नो डिवाइस किए जिसको यूज करके एटलीस्ट वी शुड गेट 39/39. नाउ यूजुअली CB2 इज अ पेपर जो आप एक मेन पेपर के साथ देते हो, आइदर अ CM और अ CS. सो एट अ पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव सीन स्टूडेंट्स दैट दे फोकस अलॉट अपॉन द मेन पेपर एंड CB2 को वो थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं कि चलो हम मेन पेपर पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो चलो एंड में हो जाएगा. बट ऐसा नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी डे, जस्ट एवरी डे, अभी से लेके सितंबर नवंबर जो भी सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, अभी से लेके आपको खाली 1.5 टू 2 आवर्स डेली पढ़ना है. दैट्स इट. दिस इंक्लूड्स माय क्लास, दिस इंक्लूड्स द सेल्फ स्टडी एज वेल. क्लास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, मे बी 5-10 मिनट्स मोर, रेस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स विल बी योर सेल्फ स्टडी. सो दिस इज द ओनली thing which I am asking you to put in for the next 3-4 months and you are good with this course and it's completed. Now, before moving ahead, I'll also tell you where CB2 will be used. Now, generally, there are students who pursue economic honors in their college. ठीक है, देर आर स्टूडेंट्स हु हैव डन इकोनॉमिक्स इन देयर क्लास 11 एंड 12. नाउ दे कम एंड टेल मी कि मैम ये तो इजी है, ये तो सेम है, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन इन कॉलेज, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन इन स्कूल. ऐसा नहीं है. पहली बार तो लेट्स टॉक अबाउट स्कूल. सो दिस इज डिवाइडेड बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो पोर्शंस. ठीक है, माइक्रो पोर्शन, माइक्रो पार्ट, सम पार्ट यू हैव डन इन स्कूल फॉर श्योर, राइट? बट मैक्रो इज एंटायरली न्यू. स्कूल स्टूडेंट्स डोंट नो दैट. अगेन, हम लोग जब अगर बात करें इकोनॉमिक ऑनर्स स्टूडेंट के, आई जनरली नो सिलेबस ऑफ DU, CU एंड Xavier's Calcutta. आई डोंट हैव मच क्लैरिटी अबाउट अदर इकोनॉमिक ऑनर्स सिलेबस, बट ये सारे जगहों पर आई हैव सीन एंड सम ऑफ द मुंबई कॉलेजेस एज वेल. सो आई हैव सीन कि जो उनका कॉन्टेंट है दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज्यादा वो पढ़ाते हैं. वेर एज इन द सिलेबस इट्स वेरी ब्रॉड एंड जनरली टुवर्ड्स द एंड वील सी दे टॉक अबाउट मोस्टली UK एंड यूरोपियन पॉलिसीज अलॉट. ठीक है, तो ये एक चेंज है. अनदर थिंग, इकोनॉमिक्स इज सेम सिमिलर टू स्टेटिस्टिक्स. जैसे स्टेटिस्टिक्स में हम एक प्रूविंग करते हैं एंड वी टेक अ लिटिल बिट अजम्पशंस एट द स्टार्ट कि ये अज्यूमिंग स्टूडेंट्स हु हैव डन CS1, अज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, देन यू प्रूव समथिंग एंड देन यू प्रूव वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू और नॉट. दैट इज वॉट यू डू, राइट, इन योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर एनी वन हु हैज डन CS1. हियर इन इकोनॉमिक्स वी अगेन हैव लॉट ऑफ डिफरेंट economic models, theories by different schools of economics. So they have their own assumptions and on the basis of that assumptions, we have the entire model. Now these different models are obviously not studied in all the syllabus, which is actually a little different from what you will see over here. Again, the way of answering the questions. In our class 12, in our class 11, the way we answered the questions and here the way we will answer the questions will be different. You cannot use the same terminologies that you used in your plus two over here, because here we'll be have to use certain keywords in order to clear your exam. It's very, again, it's a theory paper. 39 marks is for sure your MCQ, but the rest entire 61 marks is your theory. And this is the first time, if you haven't done your CB1, this is and just given your CMCS, this is the first time you will actually meeting the theory, how to answer the theory questions. So here you need to use those specific keywords using which only you can clear your examination. Again, the concepts which are there in this particular paper, we have lots of graphs. Now, since both IA and IFO are now online, obviously they will not ask you to make the graph. What they do in their exam is they give a graph in the paper, in the question, and they ask you ki is graph ko aap samjhao. अब अगर आपने वो पढ़ा नहीं है क्लास में या फिर आपने खुद से नहीं पढ़ा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट ग्राफ. सो व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स, दिस इज माय सजेशन, आई कैन नॉट फोर्स यू, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ क्लास, प्लीज मेक श्योर आप जब आप क्लास कर रहे हो तो आप पेन पेपर रखो. ऑल्दो माई कंपाइलर इज देयर, बट यू कीप योर पेन एंड पेपर एंड जस्ट ट्राई टू मेक द ग्राफ एटलीस्ट वंस और ट्वाइस. जब तक खुद से हैंड ड्रॉ नहीं करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वो ग्राफ एक्चुअली बोल क्या रहा है, आपको याद नहीं रहेगा.
नो मैटर वॉट एवर दे से IAS स्टूडेंट्स इट्स नॉट एन ओपन बुक एग्जाम फॉर यू. फॉर IFO यस इट इज ओपन बुक बट एट द सेम टाइम कितना आप देख लोगे राइट. यू नीड टू रिमेंबर द ग्राफ्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ एज एंड वेन यू मूव. Like we'll start from chapter 1 itself. As when you move, you will realize that actually there are certain graphs, certain concepts which are a little difficult. So the compiler, this is the compiler which all of you will get. This compiler has the entire content because the material of IFA that does not have the entire content. I have taken this from different books and I have prepared this. तो इसमें मैंने hand drawn graphs मिलेंगे आपको. मैंने hand drawn graphs डाले. तो ये जो पूरा compiler है, if you are reading this for 3 to 4 times minimum, you are for sure clearing the exam. Now 3 to 4 times आप कैसे पढ़ोगे? For example, today I took a chapter 1 का class. आपने क्लास किया, आपने कॉन्सेप्ट समझा, घर जाके आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट रीड दैट चैप्टर 1 विच विल नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर. जो भी एक पर्टिकुलर क्लास का कंटेंट है उसको रीड करने में यू विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. दैट इज योर फर्स्ट टाइम रीड. अगेन मे बी ड्यूरिंग द वीक कभी आपको मन कर रहा है पढ़ने का, रीड द चैप्टर अगेन. वंस यू कंप्लीट द सिलेबस अगेन रीड द चैप्टर्स. सो 3 to 4 टाइम्स ऐसे ही आपका रीड हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs अराउंड 700+ MCQs आर अपलोडेड ऑन आवर फोरम. तो आप लोग सबके पास AIQ फोरम का एक्सेस होगा. उसमें आप लोग जाओगे, आई शो यू ऑल ओवर हियर एज वेल. सो उसमें आप लोग जाओगे, यू विल जस्ट हैव टू सिलेक्ट कौन से आपको MCQs करने हैं. यू विल गेट, सपोज आज मुझे 10 MCQs देना है तो वो हम कर सकते हैं. आई क्विकली शो यू दैट एज वेल ओवर हियर. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस. तो 700+ MCQs है. आपको लगता है MCQ बहुत ईजी है, बट ऐसा है नहीं. तो हम क्लास में अलग अलग टाइप के MCQs बार बार प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू आर गुड टू गो विद दैट. शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जिसमें सबसे ज्यादा आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग, उनका होता है कि मैम हम कैसे अप्रोच करें, हम कैसे लिखें. दिस इज समथिंग अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अलॉट इन माई क्लास. मेरे क्लासेस बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स इज फुल थ्योरी. यू हैव नॉट स्टडीड सो मच थ्योरी आफ्टर योर मे बी जो भी आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसके बाद आप लोगों ने नहीं पढ़ा. तो एक बार में आप 1.5 आवर से ज्यादा ना बोर हो जाओगे. मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स 1 आवर के बाद ही यॉन कर रहे हैं, सो जा रहे हैं. तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाती, मुझे खुद को ही नींद आता है. तो मैं 1-1.5 आवर्स का शॉर्ट स्वीट सिंपल क्लास लेती हूँ एंड देन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जाके घर पे उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो. दिस इज द डेली वर्कलोड दैट आई एम आस्किंग, नथिंग मोर देन दैट. बट येस, इतना तो देना पड़ेगा. आप अगर हाँ, हो सकता है कि आप एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं तो मे बी आपको नहीं देना पड़े, आप एग्जाम में पढ़ के पास हो जाओ. बट ऐसे हम हैं नहीं. 99% ऑफ अस आर एवरेज स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू गिव दिस मच ऑफ टाइम. ठीक है, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास. सो बेसिकली हम लोग का जो इंटायर सिलेबस है, देर आर 23 चैप्टर्स इन दिस. वेर एज जो 23rd चैप्टर है, 23rd चैप्टर है, दैट्स अ क्विक समरी ऑफ द इंटायर जो भी आपने पढ़ा है. प्लस देर आर सम न्यू टॉपिक्स विच दे इंक्लूड. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द फर्स्ट 9 चैप्टर्स. The first 9 chapters are mostly dealing in microeconomics and rest 10 से लेके आपका last तक macroeconomics है. तो weightage देख लो आप लोग खाली. मैं 22 लिख रही हूँ एक बार के लिए, एक्चुअली 23 ही होगा, 23 में भी है. आप लोग weightage देख लो, macroeconomics has the most वेटेज. बट ऐसा नहीं है कि इससे कम क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. अप्रोक्सीमेट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, समटाइम्स इट्स नॉट फिक्स्ड, समटाइम्स यहां से 40 मार्क्स आ गया, समटाइम्स यहां से 60 आ गया, 50-50 आ गया, 45 आ गया. तो वैसे 45-55 कैसे भी आ सकते हैं, बट नॉट एन इक्वल ऑलवेज. बट कैसे, क्योंकि इससे MCQs काफी आते हैं माइक्रो से एंड क्वेश्चंस भी आते हैं. ऑन दीज क्वेश्चंस आर ऑल हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. दीज आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो सिंस इट्स अ थ्योरी पेपर, सो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि थ्योरी पेपर है, ऐसा नहीं होगा कि आपको खाली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, सो जस्ट स्टेटिंग द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. नहीं, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन, 1 or 2 questions here and there, you might get a direct
question. But otherwise, all the long, all the short, specifically after COVID, once they shifted to online, all the long and all the short questions are application based. And one question is not from one chapter. So, mera yahan pe थोड़ा CB2 में पढ़ने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप क्या करते थे, फर्स्ट फोर चैप्टर्स किया, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग किया, फिर नेक्स्ट फोर चैप्टर्स, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग. वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. मे बी फॉर द माइक्रो इट्स पॉसिबल, फॉर मैक्रो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप चैप्टर 10 से 14 पढ़ोगे एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग. बिकॉज एक क्वेश्चन हो सकता है इज टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर 11, 17 एंड 20 पॉसिबल. आपको इन तीनों चैप्टर से पॉइंट्स लेके you have to answer the question. So what I generally prefer, it's up to you, but what I prefer in my class is I complete the syllabus, as in every class I'm taking the concept and I'm teaching the entire concept. Going back home, you are studying the compiler, reading the compiler. And on the weekends, what we'll be doing is, on the weekends, I'll be doing question and answer. I will obviously mark the question and answer, which belongs to that chapter, jitna humne cover kiya hai, uska MCQ, short question, long question, hum log solve karte hain. Main students ko bolti hu, aap log jo class mein hum kar rahe hain, aap wo karo, and thode bahut extra main bata deti hu ki ye questions aap log practice kar sakte ho. Not all questions, but these are the questions which you all can प्रैक्टिस. तो वो आप लोग को करना है. वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, यू अगेन स्टार्ट रीडिंग द कंपाइलर एंड साइड बाय साइड अगेन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड आंसर. अब जब आप क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करोगे तो आपने पूरा पढ़ लिया है. तो अगर कोई क्वेश्चन में तीन चार चैप्टर आ भी रहा है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, दिस इंटायर स्ट्रेटजी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन वॉट यू हैव स्टडीड इन योर ऑल दी अदर पेपर्स. सो दैट इज वाई आई सजेस्ट क्विकली मैक्सिमम 2 months, क्योंकि हम क्लासेस में सबको साथ लेके चलना है हमें. तो 1.5 to 2 months में वील फिनिश द सिलेबस एंड रेस्ट 2 months इंटायरली क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, कंपाइलर रीडिंग, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, कंपाइलर रीडिंग. दैट्स इट. एवरी डे हाउ मच, 1.5 to 2 hours, दैट्स इट. नॉट आस्किंग मोर देन दैट. इवन ऑन द वीकेंड्स जस्ट 1.5 to 2 hours, नॉट मोर देन दैट. हाँ, कभी नहीं पढ़ा, इट्स ओके, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू कवर दैट अप. सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर. एंड इफ यू ऑल आस्क मी कि कैसे हम लोग इसमें डील करते हैं, अच्छा, इसमें ना एक और चैप्टर निकलता है, चैप्टर 2, जहां पे डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स हैं. वो माइक्रो पोर्शन में एक्चुअली ऐसे आता नहीं है, थोड़ा उसमें इकोनॉमिक मॉडल है, थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स हल्का फुल्का उन्होंने दे दिया है. तो उसका अप्रोक्सीमेट हम, यू नो, यूजली वी से दैट इट्स अ 10% वेटेज. एंड जस्ट टू, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, वी से दैट ये यूजली वेटेज रहता है. Usually, not always, but we can say that this can be a usual. आपका this 2 marks can again, chapter 2 can again fall in the macro portion. तो मेरे classes में मैं ये chapter 2 कराती नहीं हूँ, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ता. आप जब ये सारे 10 to 23 कर लोगे तो chapter 2 अपने आप हो जाएगा. So after you do all that, we will study chapter 2 later on at the end. मतलब chapter 2 we study एकदम last में, after we complete all the chapters, like a revision and like maybe 2-3 things new are there. So this is the entire structure ki hum log kaise karenge. Now let's quickly talk about how our classes will move forward. Hum log ke live classes, we'll be having our live classes on Saturdays and Sundays. Saturdays I will be taking the class, Sunday there will be an industry expert ka class. So Saturday it's on you can come down for the physical class, or online to hai hi. So approximately again 1.5 to 2 hours ka hamara class hoga. On Sundays again it will be 1 hour class. On the weekdays you have to, I'll give you the targets. So मेरा क्या है, इन आई गिव स्पेसिफिक टारगेट्स एंड आई नो आई गिव अ टारगेट एज पर अकॉर्डिंग टू अ एवरेज स्टूडेंट, जिसका एवरी डे का वर्कलोड 1.5 टू 2 आवर्स है. मे बी मैंने बोला ये 6-7 वीडियोज आपको कंप्लीट करने हैं इस पूरे वीक में. दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू कवर एंड दीज आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू रीड, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. सब कुछ अच्छे से मैं लिखवा दूंगी. यू हैव टू डू दैट ड्यूरिंग द वीक एंड ऑन द वीकेंड वील डिस्कस, वील सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर, वट एवर डाउट्स यू हैव, everything will be done during the weekend. Only reason being because you have colleges at different times, I have office students, so best is to keep the live classes on the weekends so that all of you can easily attend.
राइट. सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर कि हम कैसे मूविंग फॉरवर्ड वील बी यू नो गोइंग विथ CB2 पेपर. क्या है इस पेपर में, कैसे आपको पढ़ना है. आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट, आई जस्ट गिव यू अ क्विक 2 मिनट्स में जिस्ट मैं दे देती हूँ क्या क्या पढ़ेंगे. माइक्रो में वी हैव डिमांड, वी हैव सप्लाई, उसके हम लोग एप्लीकेशन डिमांड ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं, प्राइस कंट्रोल पढ़ते हैं हम लोग, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं. तो ये सारा हमारा माइक्रो पोर्शन में आ गया. वॉट आर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कुछ कुछ आपने ये सब सुना है राइट इन योर 11th 12th. चैप्टर 10 to 23 अगेन वेरी वास्ट. वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड जहां हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम डिराइव करना सीखेंगे. वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, फर्म्स, डोमेस्टिक हाउसेस. तो ये सारा हम लोग डिफरेंट एंड डिफरेंट इकोनॉमिक स्टडीज लाइक केन्शियन, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉनिटरिस्ट, ये सारा इसमें कवर होगा. देर अगेन यू नो CB2 को रिसेंटली लाइक लास्ट 2 ईयर्स में सिलेबस हैज बीन अपडेटेड अ लॉट. अभी अप्रैल 2024 में, उसके पहले, जस्ट अप्रैल 24 के पहले ऑल्सो देर वर अ फ्यू अपडेट्स. देर वॉज अ टॉपिक कॉल्ड बिहेवियरल फिनेंस विच वॉज देर अर्लियर इन CM2, वो अभी इसमें आ गया है. सो अ लॉट ऑफ बिहेवियरल फिनेंस जहां हम लोग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम लोग यूजली इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन बनाते हैं दैट पीपल आर रैशनल, बट एक्चुअली पीपल आर नॉट रैशनल. हम लोग क्या, अपना कोई डिसीजन, आपके पास 100 रुपीज है, मैं आपको बोलूंगी कि आप इस 100 रुपीज से क्या खरीदोगे, यू विल ऑब्वियसली मेक अ डिसीजन विच विल बी मैक्सिमाइजिंग योर सैटिस्फैक्शन. बट हमेशा आप ऐसे नहीं करते, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चॉकलेट खरीद लिया तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे आपको क्या फायदा हुआ, बट आपको, आप बोलोगे मुझे इमोशनल फायदा हुआ. तो ये क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि people are not always rational, and hence we have something called as behavioral finance, behavioral economics. We'll be studying different behaviors of people, how it affects decision making of individuals and of firms, and at the end how it affects the entire economy. Very interesting. Earlier it was there in CM2. I don't exactly know CM2 mein, I think abhi hat gaya hai, and CB2 mein to for sure wo aa gaya. अगेन CB2 में अभी कोविड के पार्ट्स आ गए हैं, कुछ रिलीजन बेस्ड भी आ गया है. उसके बाद दे हैव एक्सक्लूडेड 1 or 2 थिंग्स, बट रिसेंटली इंक्लूडेड अलॉट. तो सिलेबस एक्चुअली CB2 का इंक्रीज हो गया, पहले जितना था उससे इंक्रीज हुआ है फॉर श्योर, क्योंकि दे रिलीज अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन 2023 एज वेल, एंड देन दिस टाइम ऑल्सो दे हैव रिलीज अ लॉट ऑफ अपडेट्स लाइक बिहेवियरल फाइनेंस बींग द मेजर अपडेट, क्योंकि काफी ज्यादा कुछ आ गया है. आई थिंक इट्स इन Chapter 6, एंड देन उसके बाद एज आई मैंशन कोविड एंड ऑल, तो रिसेंट पॉलिसी चेंजेस काफी ज्यादा आ गए. नॉट स्टडिंग CB2 हाउ इट विल बेनिफिट यू, पेपर तो निकलेगा ही फॉर श्योर है ऑब्वियसली, बट दिस पेपर विल बी हेल्पफुल फॉर यू. जब आप जैसे CM2 में हम बोलते हैं फिनेंस है, उतना यूज नहीं है, बट येस अगर आपका इको का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिनेंस में हेल्प आता है. एनी वन, जस्ट गो एंड आस्क एनी वन इन द फिनेंस डोमेन, आस्क देम आप क्या यूज करते हो, पता है आपको वो क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट का गेम है, बॉन्ड्स का गेम है, इन्फ्लेशन का गेम है, या आप कहां पढ़ते हो, CB2 में पढ़ते हैं. सो ऑल दी हायर लेवल लाइक आई हैव स्पेशलाइज्ड इन SP5, SP6, SA7, इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस, सब में आप लोग बिलीव नहीं करोगे SA7 वाला जो पेपर है उसमें कितने सारे चीजें जो डायरेक्ट CB2 से, एंड मेरे को इतना हेल्प हुआ था व्हेन आई वाज स्टडिंग SA7, आई कुड फील अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, बिकॉज आई टीच सो आई नो कि ये तो पूरा मैंने पढ़ रखा है. क्वांटिटेटिव ईजिंग, अरे ये तो पूरा मुझे पता है, ये तो मैंने पूरा पढ़ रखा है. एक पूरा प्रोसेस SPV, अरे ये तो हमने पढ़ रखा है CB2 में. तो ये जो आगे के, अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइज करना है, इको इज द ओनली पेपर दैट यू विल बी, एनी वन, जस्ट गो एंड आस्क एनी वन हु इज डूइंग फाइनेंस, इको इज ऑब्वियसली द बैकग्राउंड ऑफ द इंटायर फाइनेंस, राइट. सो यहां पे डेफिनेटली इस पेपर का एप्लीकेशन है. ऐसा नहीं, यस पेपर क्लियर करने के लिए तो निकाल ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर एज वेल. आई विल क्विकली शो यू ऑल हाउ इट वर्क्स. आई थिंक आई कैन, ऑल राइट. तो देखो, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. यू विल हैव टू गो इन माई पेपर्स, ठीक है. यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आप लोग को पता है जो
जिन लोग ने यूज कर लिया है। CB2 में मैं आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है। योर इंटायर शेड्यूल विल बी शोन ओवर हियर, ठीक है? तो आपको ये क्विकली शेड्यूल देख लेना है। स्टडी मटेरियल एवरीथिंग इज गिवन। यहाँ पे आप लोग Q&A फोरम में जाओगे, वट एवर क्वेश्चन आंसर यू नीड टू पुट यू ऑल कैन पुट ओवर हियर। एज यू ऑल कैन सी वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय अस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील CB2 में जहाँ पे 39 मार्क्स MCQ है, एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मजा CB2 में ही आता है। सो अर्लियर वेन वी हैड व्हाट्सएप ग्रुप्स एग्जाम के पहले, इनफैक्ट शुरू से ही CB2 वॉज द ओनली ग्रुप विच वॉज वेरी इंटरक्टिव, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को डाउट रहता ही है, कहीं ना कहीं MCQ में वो पूछा रहता है। बट देर वॉज वन वेरी बिग फ्लॉ। एक क्वेश्चन आप लोग को पता है मैं हर एग्जाम के पहले 10 बार आंसर करती थी, क्योंकि मोस्टली 95% आपको जो डाउट है वो एक और जन को डाउट है। सेम एग्जैक्ट मैंने कंपेरेटिव एडवांटेज के क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करवाया, मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने ये सब जो कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चन है मैंने 10-10 बार सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाया। सो नाउ वॉट इज डन, यहाँ पे सब सेम क्वेश्चन अपडेटेड है। अगर आपको उसी क्वेश्चन में डाउट है आपको सर्च करना है यहाँ पे ID से, या फिर आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करोगे, यू ऑल कैन जस्ट टाइप। मे बी आपको कभी कोई कंपेरेटिव एडवांटेज का डाउट है तो आप यहाँ पे खाली कंपेरेटिव एडवांटेज लिखोगे। अगर किसी ने वैसा क्वेश्चन कुछ डाल रखा है, आई एम नॉट श्योर अभी किसी ने डाल रखा है कि नहीं, कंपेरेटिव एक बार यही सर्च करते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज का किसी ने अगर कोई क्वेश्चन डाल रखा है तो वो मिल जाएगा, जिससे अभी नहीं मिला मे बी। सो कीवर्ड्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग कीवर्ड्स यूज भी नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। तो आपको कीवर्ड्स यूज करना है। यहाँ पे MCQ बाय ID है। ID का मीनिंग क्या है मैं समझा देती हूँ। आप लोग इस टेस्ट बैंक में कभी आपका मन किया सैटरडे ऑन अ संडे या फिर कोई भी दिन आपको एक टेस्ट देना है, अभी के लिए वी हैव तो दो चीज है, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, आप सिंपल बैठ के रिलैक्स्ड वे में MCQ सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको खाली MCQ सॉल्व करना है, टेस्ट नहीं देना, यू हैव टू जस्ट गो हियर एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन टेस्टलेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ लिया है, दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स विच आर देयर, बेसिकली चैप्टर्स विच आर देयर। फॉर एग्जाम्पल मुझे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स के ऊपर एग्जाम देना है, दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये। तो अगर इससे आपको कुछ देना है आपने किया, इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस है। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूं, अभी तक हमने 722 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। दिस इज ओनली हैपेंड इन द लास्ट 10 डेज, बट ऑब्वियसली मूविंग फॉरवर्ड आई विल बी पुटिंग इन अ लॉट मेनी मोर क्वेश्चंस ओवर हियर, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा भी बन जाएगा, डोंट वरी। मे बी दिस विल गो अप टिल 2000-3000 क्वेश्चंस ऑफ MCQs। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे खाली इसका आंसर करना है, सो आई एंड मुझे लेट्स सपोज 10 क्वेश्चंस करने, तो टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल क्वेश्चंस 34 है, मुझे 10 क्वेश्चंस करने, आई विल टाइप 10 एंड आई विल क्रिएट अ टेस्टलेट। द मोमेंट यू क्रिएट अ टेस्टलेट इट हैज स्टार्टेड एंड देखो ऐसे करके आपके 10 क्वेश्चंस आ गए। अनदर थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उसको फ्लैग करना चाहती हूँ फॉर माय लेटर पर्पसेस, कि ना मुझे रिवाइज करना है ये सेम MCQ। पहले क्या होता था, आप लोग मार्क करते थे, जैसे हम लोग मार्क करते थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है, इसको मार्क करते थे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट फ्लैग दीज क्वेश्चन। वंस यू हैव फ्लैग्ड दिस क्वेश्चन, यहाँ देखो ये इस क्वेश्चन का कोड है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है CB2000317, अगर ये कोड से किसी ने सॉल्व कर रखा है इन दैट Q&A फोरम, आप लोग सर्च कर सकते हो, आपको वहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। बट लेट्स सपोज यहाँ पे भी हम डालते हैं, अभी तक हमने डाला नहीं है, वी हैव जस्ट गिवन द करेक्ट आंसर, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम इसमें 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दे दें। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड दैट सो दैट आपको उसी समय समझ में आ जाएगा कि वाई बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। वी आर ट्राइंग दैट, इट विल टेक अनदर सम टाइम बट इट विल हैपन वेरी सून, हम लोग वो भी इसमें डाल देंगे। नाउ वंस इट इज फ्लैग्ड एंड लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू जस्ट कम्प्लीट माई टेस्ट, हो गया, सो आई जस्ट राइट फिनिश क्विज एट द एंड। अभी मैंने 0 करेक्ट आंसर्स डाले हुए हैं, आई डोंट वॉन्ट टू व्यू द क्वेश्चन अगेन, इसमें आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन आपने आंसर करा है। लेट्स सपोज अगेन गोइंग बैक टू द टेस्ट, अब आपको खाली वही MCQs निकालने हैं जहां आपको आपने फ्लैगिंग करा था, तो आप वो आराम से कर सकते हो। सिलेक्ट MCQ में जाओगे, यहां सारे आ जाएंगे कितने MCQs अनअटेम्प्टेड है, देखो 720 आपके अनअटेम्प्टेड MCQs है।
क्योंकि हमने आई गेस जो अटेम्प्ट कर लिया जो भी. कितने आपके फ्लैग्ड है? देखो वन एमसीक्यू हमने फ्लैग करा था क्रिएटर टेस्टलेट, एंड देखो देर इज वन एमसीक्यू जो हमने फ्लैग करा था वो आ जाएगा. सो यू कैन हैव ऑल द फ्लैग्ड एमसीक्यूज. जहां जहां आपको डाउट है आप उसको दोबारा से अनफ्लैग करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन यू नो वर्क योर एमसीक्यू. एकदम बेसिक प्रैक्टिस, मजा भी आएगा करके. कभी आई एम नॉट आस्किंग डेली करने, बट ऑल्टरनेट डेज में भी 10 MCQ 10 MCQ करके आप कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर योर कॉन्सेप्ट इज गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट. बट ऑल्सो आई बिलीव द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटायर पोर्टल इज द Q&A फोरम, बिकॉज इट हेल्प्स यू अलॉट टू आंसर द क्वेश्चन. जितना आप दूसरों का आंसर करोगे क्वेश्चन, उतना आपको भी क्लैरिटी आएगा. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हाउ वी विल बी डीलिंग विद द MCQs एंड एवरीथिंग. नॉट वेरी डिफिकल्ट आई बिलीव, बट अगेन एट द सेम टाइम पूरा कंटेंट मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, ओवरव्यू मैंने बता दिया कि हम कैसे कैसे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं. आई विल बी जस्ट नीडिंग दिस अमाउंट ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम यू गाइज एवरी डे, दैट्स इट. ऑल राइट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन? Yes. Anyone having any questions? No. All right. Thank you so much. We'll do it till here for today. Please stay updated as per the timetable. We'll be having the classes. Thank you.